तो दोस्तों आईपीएल 2024 के सीजन में आज हमें कुल दो ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था। आज का दिन का पहला मुकाबला में मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच ये मुकाबला खेला गया था। वही आज का दिन का दूसरा मुकाबला में लखनऊ सुपर जायंट बनाम गुजरात टाइटन के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। आज का ये दोनों मुकाबला में पूरी तरह से कंप्लीट होते ही आईपीएल 2024 के पॉइंट जल में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है, अब कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्लेऑफ में जाने के लिए, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट सेल के मुताबिक पॉइंट सेल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन हमें -1.370 का देखने को मिला है। वे दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। वे दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वें पोजीशन पर है वे फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल के पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट हमें -0.843 का देखने को मिला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 11 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियंस को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट हमें -0.740 का देखने को मिला है। वही मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला में 11 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन हमें माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। तो गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। तो गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है वही शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग। पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन हमें -0.220 का देखने को मिला है। पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 9 अप्रैल को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वह पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से सनराइजर हैदराबाद को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है।
पॉइंट्स एवं उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रेटेड हमें +0.409 का देखने को मिला है। वही सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही सनराइजर हैदराबाद का अगला मुकाबला में 9 अप्रैल को पंजाब किंग के खिलाफ खेल तो बना जाएगा। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वही ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रेटेड हमें +0.517 का देखने को मिल रहा है। वही चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 8 अप्रैल को कोलकाता नाइट के खिलाफ खेल तो बना जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 3 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रेटेड हमें प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वही लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 12 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 3 मुकाबले खेले गए। तीनों मुकाबले में कोलकाता नाइट को जीत मिली। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रेटेड में +2.518 का देखने को मिला है। वही कोलकाता नाइट को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 11 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट का अगला मुकाबला में 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है वह राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए। चारों मुकाबले में राजस्थान रॉयल को जीत मिली। पॉइंट अब उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट रेटेड में +1.120 का देखने को मिला है। वे राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वे राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 10 अप्रैल को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 में कौन से 4 टीम रहने वाली है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो थोड़े भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।